ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम रोज की बातें आज भी कक्षा 5 का 7वां पाठ लेके आए हैं, जो वृक्षों की महिमा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिसमें हम पेज संख्या 188 पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, तो उत्तर एक हमारे आसपास आंवला, पीपल, बड़, केला, तुलसी आदि पौधों की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो उत्तर रहेगा खेजड़ी को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है, तो उत्तर रहेगा लोग समाज को वृक्षों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आंदोलन चला रहे हैं तथा लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बता रहे हैं जिसमें कि उन्हें न काटे। प्रश्न नंबर रहेगा 4 कि आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है, तो इसका उत्तर रहेगा कि हमारे आसपास पर्यावरण दिवस पर, जन्म दिवस पर, पूर्वजों के नाम पर या फिर किसी अन्य यादगार दिवस पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। पेज संख्या रहेगी 189 यानी कि 189 पर। इसमें पहला प्रश्न है कि आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं, तो हमारे आसपास की जो भूमि होती है उसको हम ओरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रश्न नंबर 2, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांव में प्राचीन काल से किस प्रकार की जन चेतना की, तो उत्तर रहेगा कि राजस्थान के गांव में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए प्राचीन काल से जन चेतना थी। लोग आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत अथवा महापुरुष के नाम से संरक्षित कर देते। प्रश्न नंबर 3 और गोचर ओरण तथा चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किया, तो उत्तर रहेगा इसका राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर गोचर ओरण व चारागाह भूमि को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 189 पर और देर का है कि जंगल किसे कहते हैं, उत्तर रहेगा रियासती इलाके से दूर जहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं तथा जहाँ जंगली जीव जंतु रहते हैं, उस स्थान को जंगल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, हमें पर्याप्त शुद्ध वायु तथा जल आदि प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है, जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जीव जंतु होते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या आपने विद्यालय में पेड़ लगाए, हाँ हमने विद्यालय में पेड़ लगाए हैं। प्रश्न नंबर 5, पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं, उत्तर अपने विद्यालय में लगे सभी पेड़ों को अपने साथी की टोली बनाकर बांट लिया जाता है, जिससे टोली अपने अपने हिसाब से अपने अपने पेड़ पौधों की देखभाल करती है, उनकी सुरक्षा के विभिन्न उपाय करते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे तालिका में राजस्थान के अभियान दिए गए, उनके सामने उन जिलों के नाम जहाँ अंकित वहाँ स्थित राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहाँ ये अभ्यारण स्थित है। तो जैसे पहला जो आपको दिख रहा होगा रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर में है, केवला देवी भरतपुर में, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में, तो इनको आपको करना है। तो जैसे सवाई माधोपुर में था तो यहाँ पर केवला देवी ये होता, रणथंभौर था, सरिस्का अलवर में था, तो आपको ये करना है। जैसे वो सरिस्का था तो वह अलवर में था। प्रश्न नंबर पेज संख्या 190 पर सूची बनाई कि कौन किसको खाता है, तो इसका उत्तर रहेगा जैसे पेड़ पौधों को खाता है खरगोश, बकरी, गाय, भेड़, हिरण को खाता, शेर खाता, मुर्गी को, श्यार खाता, बीज को चूहा खाता है।
और चूहे को बिल्ली खाती है। पेज संख्या 191। तोता क्या खाता है? उत्तर है कि अमरूद, बेर, गेहूं, मक्का, हरी मिर्च आदि खाता है। गाय क्या खाती है? उत्तर गाय घास, पूछ तथा अन्य प्रकार का हरा चारा खाती है। प्रश्न संख्या 3 है, गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी अन्न के दाने तथा फल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज संख्या 189। 91। उत्तर है, प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए और लिखिए। तो इस पर दे रखा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पत्तिया को टीटा खाता, टीटे को मेंढक खाता, मेंढक को सांप खाता था, सांप को बीज खाता, यही खाद्य श्रृंखला है। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर रहेगा, अभ्यारण्य जीव जंतु था बड़े जंगली जानवरों के स्वतंत्र विचरण तथा उनकी देखभाल के लिए बनाए गए स्थानों को अभ्यारण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। उत्तर रहेगा, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में वृक्षों काटने के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जिसमें लोगों को वृक्षों से चिपक गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रहा। प्रश्न नंबर 4, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची लिखिए। पेड़ों से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जिसमें जिसमें पहला है, पेड़ों से फल, लकड़ियां, औषधियां, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ों से जानवर के लिए चारा प्राप्त होता है। पेड़ों से पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। अब ये देखो बहुत अच्छी लाइन है कि वृक्ष लगाओ जंगल बचाओ, यानी वृक्ष ज्यादा ज्यादा, सभी से आग्रह है कि ज्यादा ज्यादा वृक्ष लगाओ ताकि जंगल बच सके। ये आज का हमारा पाठ समाप्त हो गया। जो पाठ 7वां था, वृक्षों की महिमा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।